नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज के ऑनलाइन अभ्यासक्रम में हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 के विषय हिंदी की, जिनकी 8वीं इकाई है गुलमर की खिड़की से एक रात। आज हम इस गद्य कृति का अभ्यास करने वाले हैं। तो जानते हैं इस गद्य के साहित्य प्रकार के बारे में। इस गद्य का साहित्य प्रकार है यात्रा वर्णन, जिनको लिखा है मोहन राकेश ने। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे और उनके बाद इस गद्य की समझौती प्राप्त करेंगे। जानते हैं लेखक का परिचय। मोहन राकेश का जन्म जालंधर पंजाब में हुआ था। तो इनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत ही रुचि थी। अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ था। एक बात को हम समझे तो लेखक के पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उन्हें साहित्य में बहुत ही रुचि थी। उन्हें बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था, या तो साहित्य में उन्हें गहरी रुचि थी। इस वजह से लेखक को बचपन से ही घर में साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। तो इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक की शिक्षा प्राप्त की थी और तत्पश्चात यानी उनके बाद डीएवी कॉलेज जो जालंधर में स्थित है, जिसमें हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। तो कुछ समय तक इन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन भी किया और उनके बाद वे स्वतंत्र लेखन करते रहे। तो हम उनके साहित्य सृजन की बात करें तो कहानी लेखन के साथ साथ इन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि उनके कहानी संग्रह है, तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। तो आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लेखक ने हिंदी गद्य साहित्य के विभिन्न स्वरूपों पर साहित्य सृजन किया है। तो मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपको इस वाक्य को याद रखना है कि मोहन राकेश जो है वह कहानीकार तथा नाटककार के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अब तक हमने लेखक का परिचय देखा और उनके साहित्य सृजन के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम बात करते हैं उनके प्रस्तुत गद्य के शीर्षक की, जिनका नाम है गुलमर की खिड़की से एक रात, जो लेखक की कृति परिवेश से लिया गया है। यानी इस गद्य की मूल कृति है परिवेश, जिनमें से इस गद्य को लिया गया है। जिसमें हम कहें तो इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर के प्राकृतिक सौंदर्य का स्व अनुभव विवरण प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में से समाया सा लगता है और गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य, यानी अकल्पनीय जिसकी कल्पना न की जा सके, ऐसा एक सौंदर्य इनकी इनसे बुलाया ही नहीं जाता है। यहाँ हम देखें तो लेखक गुलमर्ग की यात्रा के लिए गए थे और वहाँ का जो खुद का अनुभव है, यानी स्व अनुभव को उन्होंने इस यात्रा वर्णन में लिखा है, जिनमें गुलमर्ग की एक रात का दृश्य, अकल्पनीय दृश्य जिसकी लेखक ने कभी कल्पना भी नहीं की थी और ऐसा दृश्य लेखक कभी नहीं भूल पाते हैं, जिनका वर्णन उन्होंने इस गद्य में किया है, जिनके बारे में हमें समझौती प्राप्त करनी है। तो विद्यार्थी मित्रों, गद्य की समझौती से पहले हम गुलमर्ग के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। गुलमर्ग जो है वह कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक स्थान माना गया है। गुलमर्ग भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का एक हिल स्टेशन है और इसकी सुंदरता के कारण इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। यह देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। फूलों के प्रदेश के नाम से मशहूर यह स्थान बारामूला जिले में स्थित है और यहाँ के हरे भरे ढलान सैलानियों को अपनी ओर खींचते हैं। ऊंचाई पर बसे गुलमर्ग में सर्दी के मौसम के दौरान यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। गुलमर्ग अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण काफ़ी मशहूर स्थान है, जो हमारे भारतवासियों को पर्यटन के लिए आकर्षित तो करता ही है, साथ साथ देश भर के लोग इस गुलमर्ग के सुंदरता को देखने के लिए आते हैं, यानी वहाँ पर उनकी यात्रा करने के लिए आते हैं। पूरे साल में वहाँ पर
कई यात्री नजर आते हैं और सर्दी के दिनों में वहाँ का मौसम बहुत ही देखने लायक होता है। इस तरह हम कहें तो गुलमर्ग अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण काफ़ी मशहूर स्थल माना जाता है, इसलिए उन्हें धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप यहाँ गुलमर्ग की कुछ तस्वीर देख रहे हैं जो यात्रियों को काफ़ी आकर्षित करता है। वहाँ पर बर्फबारी काफ़ी रहती है, इस वजह से चारों ओर पहाड़ों पर या तो ढालान पर बर्फ ही छाए रहते हैं। वहाँ कुछ यात्री स्कीइंग के लिए आते हैं तो कुछ लोग गोल्फ खेलने के लिए भी आते हैं। तो वहाँ पर देवदार के घने वृक्ष नज़र आते हैं जो पतले पतले और काफ़ी लंबे ऊंचे होते हैं। तो वहाँ पर कुछ लोग स्कीइंग खेलने के लिए भी आते हैं, स्कीइंग का आनंद उठाते हैं। तो वहाँ का प्राकृतिक नज़ारा ही अलग है जो लोगों को बार बार वहाँ पर आने के लिए आकर्षित करता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ पहाड़ है जो बर्फ़ से आच्छादित रहते हैं। वहाँ के जो सपाट मैदान या तो बर्फ़ से आच्छादित जो ढलान है वह देखते ही बनते हैं। गुलमर्ग अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफ़ी मशहूर स्थल माना गया है जो एक हिल स्टेशन के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है जो सैलानियों को बार बार वहाँ जाने के लिए आकर्षित करता है। तो हमारे जो लेखक हैं मोहन राकेश, वे भी वहाँ पर गए थे और वहाँ पर रहकर उन्होंने जो अपना अनुभव किया है उनका वर्णन उन्होंने इस गद्य में किया है। गुलमर्ग देवदारों के वृक्ष के लिए, बर्फ़ से आच्छादित पहाड़ों के लिए या तो प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। वहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त का जो दृश्य है वह बहुत ही देखने लायक है जो हमारे मन को छू लेता है। तो साथ साथ वहाँ के सपाट मैदान पर ढलानों पर जो रंग बिरंगी फूल खिलते हैं जिनकी वजह से उनकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। तो वहाँ पर कुछ लोग स्कीइंग का आनंद उठाने के लिए तो जाते ही हैं, साथ साथ वहाँ पर कई जगह पर गोल्फ भी खेली जाती है। गोल्फ के लिए भी यह स्थल बहुत ही प्रसिद्ध माना गया है। तो इस तरह विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमने गुलमर्ग का परिचय देखा और वे अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए किस तरह मशहूर है, जिनके बारे में हमने यहाँ फोटो के माध्यम से भी जाना। तो अब हम लेखक का वहाँ का अनुभव जानते हैं। लेखक जब गुलमर्ग में गए थे तो उन्हें वहाँ पर कई विभिन्न अनुभव हुए हैं, उस वह अनुभव को उन्होंने प्रस्तुत गद्य में वर्णन किया है। शुरुआत में ही वे लिखते हैं कि कुछ जगहें होती है जिन्हें आँख एक बार देखती है तो फिर चौंक जाती है, चौंक उठती है, यानी आश्चर्यचकित हो जाती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। लेखक अपना खुद का गुलमर्ग का अनुभव स्व अनुभव बताते हुए कहते हैं कि कुछ जगहें ऐसी होती है जिन्हें एक बार देखकर ही हमारी आंखें चौंक उठती है, यानी वहाँ के कुदरती दृश्य या तो वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर हमारी आंखें चौंक उठती है, परंतु फिर धीरे धीरे वहाँ जाने से या तो वह स्थान परिचित होने से वे जगह उदासीन हो जाती है। परंतु लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। आप वहाँ जितनी बार जाते हैं तो आपको एक अकल्पनीय ही अनुभव होता रहता है, हर बार आपको एक नया ही अनुभव प्राप्त होता है। तो आगे वे कहते हैं कि मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान दिखाई दिया, देवदारों के घने झुरमुट थे और बस। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। लेखक कहते हैं कि जब मैं पहली बार गुलमर्ग गया था तो मुझे वहाँ कुछ अच्छा देखने लायक नहीं लगा। मैंने वहाँ जाकर देखा तो सपाट मैदान थे, बर्फ़ से आच्छादित पहाड़ थे या तो देवदार के घने झुरमुट थे, बस। मुझे लगा कि मैं एक ही घंटे में सारा गुलमर्ग देख लूँगा। मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ, यानी अनुभव हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा कभी भी नहीं देख सकते, उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। कांपती तितलियाँ,
उठते बादल और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग में वहाँ महीनों भर रहने के बाद हमें जो अलग अलग हर रोज अनुभव होते हैं, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि गुलमर्ग को एक घंटे में क्या उन्हें कभी पूरा देखा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण इतनी मशहूर स्थान है, वह इतना मशहूर स्थल है कि जिन्हें कभी पूरा देखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पर हर रोज आपको एक अलग ही अनुभव प्राप्त होता है। वहाँ उड़ती कांपती तितलियाँ और उड़ते बादल, बर्फ से आच्छादित पहाड़, जिनको देखते ही बनते हैं। लेखक कहते हैं कि वहाँ रहने पर व्यक्ति उसी सपाट मैदान का अपने आप को एक हिस्सा ही समझते हैं। जिस तरह वहाँ कांपती तितलियाँ हैं, उड़ते बादल हैं, बर्फ से आच्छादित पहाड़ है, उसी तरह वहाँ रहने पर व्यक्ति अपने आप को उसी सपाट मैदान का एक हिस्सा ही समझने लगता है। आगे लेखक कहते हैं कि उन्होंने बताया कि दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त, दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो उन्हें ऐसा अनुभव होता है, एहसास होता है अपने से बिछुड़ने का, अपने उस रूप से जो इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रहता है। लेखक कहते हैं कि वहाँ पर लेख जाकर लोगों को अलग अलग अनुभव होते हैं। वहाँ के सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य इतना मनोहर होता है कि सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर देता है। तो वहाँ पर हमेशा ठंड के कारण सुबह और शाम को धुम्मस की वजह से कोहरा छाया रहता है और कभी कभी मौसम अचानक से ही बदलते रहते हैं। कभी कभी सुबह शाम या तो दिन में भी कोहरा छाया नजर आता है, तो कभी कभी पीली धूप भी नजर आती है। सैलानी वहाँ पर घूमने का एक अलग ही आनंद उठाते हैं और लेखक कहते हैं कि वहाँ रहने पर हमें ऐसा एहसास होता है, या तो हम उसी सपाट मैदान के अपने आप को हिस्से समझते हैं, और जब गुलमर्ग से विदा होते हैं तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम अपने परिचित व्यक्तियों से ही दूर हो रहे हैं, जो कितना परिचित होते हुए भी वहाँ पर आने वाले यात्रियों के लिए भी सदा अपरिचित सा ही रहता है, क्योंकि वहाँ हर रोज हमें एक अलग ही नया अनुभव प्राप्त होता है। वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। लेखक कहते हैं कि वहाँ पर यात्री जब रहते हैं तो हर रोज वे एक अलग अनुभव को ही प्राप्त करते हैं। तो आगे उन्होंने कहा कि गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। वहाँ पर जब बर्फ नहीं होती है तब वहाँ सपाट मैदान में चारों ओर हरियाली छाई रहती है और उन पर रंग बिरंगी फूल खिले रहते हैं, जिनमें लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग में व्यक्ति के सपने फूल की तरह उगते हैं। हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर, आकाश में, वहाँ पर आपने तस्वीरों में देखा था कि चारों ओर बर्फ गिरी रहती है, देवदारों के घने वृक्ष नजर आते हैं। सैलानी वहाँ पर चारों ओर घोड़े पर बैठकर चारों ओर घूमते रहते हैं, तो बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर डालते हैं, बर्फ के कुछ चित्र बनाते हैं। तो इस तरह लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग में सपने हमेशा हरियाली के आर पार, वहाँ के लाल छतों के ऊपर, आकाश में, चारों ओर सपने फूल की तरह खिलते रहते हैं, आंखें मुग्ध होकर देखती ही रहती है। यानी कि एक पलक झपकाए बिना हमारी आंखें मुग्ध होकर चारों ओर दृश्य को देखती रहती है और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं, वातावरण में नई नई कोपले फूट आती है। कोपले फूटना यानी जब फूल में नई नई कोपले फूटती हैं, उसी तरह वहाँ पर वातावरण में भी नई नई कोपले फूटती हुई नजर आती है। कभी बर्फ गिरती है, कभी बारिश होती है, तो वहाँ पर सैलानी जिस तरह से बर्फ बारिश का आनंद उठाते हैं, उनका दृश्य तो देखते ही बनता है। इस तरह लेखक कहते हैं कि वहाँ पर वातावरण में मानो नई नई कोपले फूट आती है। हर क्षण, प्रत्येक क्षण नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। बादलों के पाटिकों के नीचे लोग बाएं फैलाए घास पर बैठे रहते हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आती है।
सैलानी यानी यात्री जो वहाँ पर यात्रा के लिए गए हैं। वहाँ पर कुछ लोग गाड़ियों में भी सवारी करते हैं तो कुछ लोग घोड़े पर बैठकर वहाँ के प्राकृतिक दृश्य को देखने का नज़ारा उठाते हैं, उन प्राकृतिक नज़ारों को देखने का एक मौका उठाते हैं। तो लेखक कहते हैं कि दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियाँ घोड़े दौड़ाती नजर आती हैं। कुछ लोग बादलों के नीचे ढालान पर बाहें फैलाकर बैठे रहते हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटके हुए हैं। उन सपाट मैदानों के ढालान पर रंग बिरंगी फूल खिले हैं। इस तरह से ऐसे लगते हैं मानो चारों ओर रंगीन बिंदु छिटके हुए हैं। सहसा प्रकाश से नन्ही नंदी पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है। कभी वहाँ पर पीली धूप नजर आती है तो अचानक से ही मौसम बदलने लगते हैं और चारों ओर बादल छा जाते हैं और उनमें से बारिश की धीरे धीरे पारदर्शक बूंदें गिरने लगती हैं। पारदर्शक यानी जिनके आर पार हम देख सकते हैं। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है यानी ठंडी में वह ठिठक जाता है। दिन में जो लोग चारों ओर घूमते फिरते रहते हैं, शाम को बर्फ गिरने से वह वातावरण बिल्कुल ही ठंडकमय बन जाता है और लोग कांपते हुए अपने निवास स्थान की ओर लौटते हैं और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे में फूल में बदल जाता है यानी चारों ओर धुम्मस छा जाता है और जहाँ पर दिन में जो हरियाली नजर आती है वह शाम के समय धुम्मस में छा जाती है। आगे लेखक कहते हैं कि मैदान सुरमुई आभा ओढ़ लेता है मानो धरती ने कोई नया वस्त्र धारण किया हो। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस यानी लाचार होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें हैं। पगडंडी यानी एक ही जगह से बार बार लोगों की चहल पहल से जो कच्चा रास्ता बन जाता है जिन्हें हम पगडंडी के रूप में जानते हैं। लेखक कहते हैं कि वहाँ पर जब बर्फ की बारिश होती है तो कुछ लोग क्या करते हैं, वहाँ बर्फ का आनंद उठाते हैं और बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर डालते हैं। तो कुछ लोग बार बार एक ही जगह से गुजरते हैं जिसकी वजह से लोगों की चहल पहल से एक पतली पगडंडी बन जाती है जिन्हें लेखक ने नरम नरम व्यक्तियों की पतली बाहों की उपमा दी है। तो आगे वे बताते हैं कि जब तक बादल बरसेगा वह बाहें ऐसे ही रहेंगी, ऐसे ही कोमल विस्मृत और निढाल। कोमल यानी बहुत ही सुंदर, विस्मृत यानी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता और निढाल यानी बिल्कुल सुस्त की तरह। लेखक कहते हैं कि पूरे दिन जब वहाँ बर्फ की बारिश होती है तो जब तक बादल बरसते रहेंगे वहाँ की पगडंडियाँ ऐसे ही अपनी कोमल बाहें फैलाकर फैली रहेंगी जिसे हम कभी भूल नहीं सकते हैं। तो लेखक ने यहाँ गुलमर्ग के दिन के वर्णन को लिखा है। दिन में गुलमर्ग का हरा भरा रूप आंखों को मुग्ध कर देता है। धरती से लेकर आकाश तक हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। हरी घास के बीच तरह तरह के रंग बिरंगी फूल खिलते हैं। वातावरण में नई नई कोपड़े फूट आती है। सैलानी यानी यात्री घुड़सवारी का आनंद लेते नजर आते हैं। हर क्षण नए अनुभव और रोमांच की सृष्टि नजर आती है। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे दीप चारों ओर घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो छोटी छोटी पगडंडियाँ मानो अपनी पतली पतली नरम बाहों को फैलाकर चारों ओर फैली हुई है। इस तरह लेखक ने यहाँ गुलमर्ग के दिन के वातावरण का वर्णन किया है। तो आगे वे लिखते हैं, सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे दीप इधर उधर भटकते नजर आएंगे। लेखक ने यहाँ बादलों को नन्हे नन्हे दीप के रूप में बताया है। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ यानी उनकी पंक्तियाँ पगडंडियों पर टंकी जाएगी। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है। लेखक कहते हैं कि दिन में चारों ओर सूरज की प्रकाश चारों ओर फैली रहती है और सूरज जब चमकेगा तो फूल में नया सपना दिखाई देगा। आकाश में चारों ओर बादल दीप की तरह इधर उधर घूमते नजर आते हैं। भेड़ों और बकरियों की पंक्तियाँ पगडंडियों पर टंकी रहती है। तो
दिन फिर से रात की प्रतीक्षा करेगा कि कब रात आए, और यह दिन का जो वाचाल माहौल है वह शाम होने से ही बिल्कुल शांत हो जाए। लेखक कहते हैं कि दिन में सैलानियों की चहल पहल से चारों ओर वातावरण बहुत ही वाचाल नजर आता है, जो शाम को धुम्मस छाने की वजह से सब लोग अपने निवास स्थान पर चले जाते हैं। इस वजह से दिन में जो वाचाल माहौल दिखाई देता है वह शाम को बिल्कुल ही शांत हो जाता है। तो आगे वे बताते हैं कि गुलमर्ग की वह रात मुझसे कभी नहीं भूली जाएगी। लेखक ने यहाँ पर रात और दिन के गुलमर्ग के वर्णन रात गुलमर्ग के रात और दिन का वर्णन किया है। तो आगे वे गुलमर्ग की अपने एक अनुभव को बताते हैं जिन्हें लेखक कभी भूल नहीं पाते हैं। वे बताते हैं कि गुलमर्ग की वह रात मुझसे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था, दूर बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। मैं उनकी प्रतीक्षा यानी राह देख रहा था कि कब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले। लेखक कहते हैं कि जब मैं गुलमर्ग की यात्रा के लिए गया था तो वहाँ पर एक दिन गुलमर्ग की एक होटल की खिड़की में से मैंने रात के दृश्य को देखा तो बारिश हो रही थी। उन्होंने खिड़की में से देखा तो एक बरसती घटा उनकी ओर ही आ रही थी, और लेखक उस बरसती हुई घटा का राह देख रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वह बरसती घटा लेखक के पास पहुँचे और उन्हें बर्फ से यानी कि बारिश से भिंजो दे यानी उनको भिगो दे। घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उससे बराबर होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ आ मुझे अपने में समेट ले। लेखक कहते हैं कि बारिश में बरसती घटा में गिर जाने का बड़ा सुख होता है, वह मैंने बहुत ही कम जाना है। घटा ऊपर से यानी बादल ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग ही अनुभव है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत लेखक की ओर था। वे कहते हैं कि मैंने खिड़की से देखा तो सामने से एक बरसती घटा मेरी ओर ही आ रही थी, और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ आ और मैं तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ, तू मुझ में समेट ले, अपने आप में मुझको समेट ले। लेखक कहते हैं कि बारिश हो रही थी, हवा भी तेज थी, मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत ही उठा हुआ था, बार बार जोर की गरज यानी बिजली चमक रही थी, जिससे धरती और आकाश की सिराएं कांप उठती थी। यहाँ पर लेखक ने अलंकारिक भाषा में वर्णन किया है और धरती और आकाश को एक व्यक्ति के रूप में बताया है। वह कहते हैं कि बारिश हो रही थी, इस वजह से चारों ओर तेज हवा चल रही थी, परंतु बादल है वे वहीं के वहीं बरस रहे थे, वे आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वातावरण में तूफान तो बहुत ही था, परंतु वह गरजती घटा आगे नहीं बढ़ रही थी। लेखक कहते हैं कि चारों ओर आकाश में बिजली गरज रही थी, इस वजह से ऐसा लगता था मानो धरती और आकाश की सिराएं भी कांप उठती हो। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कोंटती थी यानी आकाश में बिजली हो रही थी, और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। लेखक कहते हैं कि जब बारिश हो रही थी तब आकाश में चारों ओर बिजली की गहरे सुनाई दे रही थी, और बिजली के प्रकाश में चारों ओर की चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही थी। आगे वे कहते हैं कि मैं खुश था कि थोड़ी देर में यह बूंदे मेरे ऊपर बरसेगी, बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। लेखक कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में बरसती घटा में भिगोने का बहुत ही कम अनुभव देखा है। मैं जानता हूँ कि बरसती घटा में भिगोने का एक अलग ही आनंद है। जब वे गुलमर्ग की होटल में रुके हुए हैं वहाँ पर उनकी खिड़की से देखते हैं तो बाहर उन्हें बारिश होती हुई नजर आ रही है। तेज तूफान था, परंतु वह बरसती घटा आगे नहीं बढ़ रही थी। आकाश में चारों ओर बिजली गरज रही थी, इस वजह से लेखक को लगता है कि धरती और आकाश की सिराएं मानो कांप उठी हो। वे कहते हैं कि मैं उनके बरोबर का होकर खड़ा था
कि कब वह बरसती घटा मेरे सामने आए और मुझे क्या करे भिगो दे। बिजली गरज रही थी, इस वजह से बिजली के प्रकाश में चारों ओर की चीज़ें बहुत ही स्पष्ट नजर आ रही थी। लेखक कहते हैं कि मैं कब से अपनी बाहें फैलाकर उस सामने से बरसती हुई घटा का राह देख रहा था, कब वे मेरी तरफ आए और मुझे अपने में भिगो ले। आगे वे कहते हैं कि थोड़ी देर में ये बूंदे मेरे ऊपर बरसेगी, बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूट पड़ेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर आने के लिए तैयार था और मैं उसे पुकार रहा था, मगर अचानक लेखक कहते हैं कि मेरा यह भिगोने का सपना टूट गया। हवा अचानक रुक गई, बढ़ता हुआ तूफान वहाँ का वहाँ ही ठिठक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। दम तोड़ना यानी उनकी मृत्यु होना। लेखक कहते हैं कि अचानक से हवा रुक गई और तूफान वहाँ का वहाँ ही ठिठक गया दूर पर, मानो वे कहते हैं कि तूफान उसी तरह वहाँ रुक गया मानो आसमान में किसी दूर पर कटे हुए पक्षी की तरह, मानो पक्षी घायल हालत में हो और वे गिरकर जमीन पर गिर जाता है, उसी तरह वह तूफान भी वहीं पर ठिठक गया। बिजली की सांसें रुकने लगी। लेखक कहते हैं यहाँ बिजली को वे व्यक्ति के रूप में बताते हैं और वे कहते हैं कि बिजली की सांसें भी अचानक रुक गई, मेरी भी, और वे कहते हैं कि मैं कब से उस बरसती घटा का इंतजार कर रहा था कि वह कब मेरे ओर आए और मुझे अपने में समेट ले। परंतु लेखक कहते हैं कि मेरा यह ऊंचाई पर का जो स्थान था वह भी नीचे आ गया, मेरी भी सांसें रुक गई, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा। यानी कब से मैं गमन कर रहा था, बादल को बरसते हुए जब देख रहा था तो मुझे लगा कि मैं उन्हें पुकार रहा हूँ कि आओ मेरे सामने आ और मुझे अपने में समेट ले, परंतु मेरा यह सपना वहीं का वहीं अधूरा रह गया और मुझे बहुत ही ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा। आगे वे कहते हैं कि यानी लेखक कहते हैं मेरा सपना अधूरा रह गया, मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। तो आगे लेखक बताते हैं कि ये वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में एक दो बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग में ऐसे क्षण नसीब वाले लोगों को ही देखने को मिलते हैं और वहाँ रहने पर किसी न किसी के जीवन में ऐसे क्षण वहाँ पर आए ही होंगे। तभी तो मुद्दत तक यानी जब तक हमें रहना होता है उस वक्त, तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींच कर वहाँ ले जाता है। लेखक कहते हैं कि सैलानी वहाँ पर अपने कुछ समय के लिए, निश्चित समय के लिए वहाँ पर आते हैं, वहाँ रुकते हैं, वहाँ का नज़ारा जो है उनका आनंद उठाते हैं और जब वे वापस लौटते हैं तो उन्हें अपने से बिछड़ने का दुख होता है। और वे कहते हैं कि वहाँ मुद्दत तक रहने के बाद भी वहाँ का प्राकृतिक आकर्षण हमको बार बार वहाँ पर जाने के लिए खींचता है, वरना वहाँ है क्या, एक खुला सपाट मैदान नजर आता है जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है, क्या सिर्फ गोल्फ खेलने के लिए वहाँ जाना चाहता है? विद्यार्थी मित्रों, हमने तस्वीर में देखा था कि वहाँ पर सैलानी ज़्यादातर स्कीइंग या तो गोल्फ खेलने के लिए जाते हैं। वहाँ पर हम देखें तो बड़े सपाट मैदान नज़र आते हैं और वहाँ कोई प्राकृतिक नज़ारा जो है वही लोगों को वहाँ पर आकर्षित करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि क्या सिर्फ लोग वहाँ गोल्फ खेलने के लिए जाते हैं? नहीं, वहाँ का प्राकृतिक नज़ारा इतना सुंदर है जो लोगों को बार बार वहाँ पर आने पर मजबूर कर देते हैं। तो इस तरह विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ गुलमर्ग की यात्रा का लेखक का स्व अनुभव देखा, जिसमें उन्होंने गुलमर्ग के प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है, तो साथ साथ एक रात का अपना अकल्पनीय अनुभव उन्होंने यहाँ पर वर्णित किया है जिन्हें लेखक कभी नहीं भूल पाते हैं। तो साथ साथ वे कहते हैं कि वहाँ लोग सिर्फ गोल्फ खेलने के लिए ही नहीं जाते हैं, परंतु वहाँ प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए भी जाते हैं। तो इस तरह हम कहें तो गुलमर्ग एक प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत ही मशहूर स्थल है, जो एक हिल स्टेशन है जो
लोगों को बार बार वहाँ पर जाने के लिए आकर्षित करता है। वे हमारे भारतवासियों को तो बहुत ही पसंदीदा स्थल है, परंतु कई देश विदेश के लोग भी इस स्थल को देखने के लिए भारी मात्रा में आते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर इस गद्य की समझौती के आधारित हमने गुलमर्ग की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन देखा, तो साथ साथ कुछ तस्वीरों के माध्यम से हमने गुलमर्ग की प्राकृतिक सुंदरता को भी देखा। तो यह पाठ हमारा यहाँ समाप्त होता है। आप क्या करेंगे, एक बार पूरा पद्य इस गद्य को पढ़ लेंगे और गद्य की समझौती के आधारित स्वाध्याय में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। नमस्ते, थैंक यू।